तो हेलो गाइस, यार कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल रॉयल म्यूजिकल में। तो आज की वीडियो में, जैसा कि आपने डिस्क्रिप्शन से पढ़ा है, मैं बताने वाला हूँ कि गिटार को ट्यून करने के लिए प्ले स्टोर पर सबसे अच्छी ऐप कौन सी है। ऐप का नाम है पिच लैब प्रो। तो उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ आपको कि कैसे वो जो ऐप है वो दूसरी ऐप से, दूसरे ट्यूनर से अलग है, एंड उसकी एक्यूरेसी क्यों बहुत ज्यादा अच्छी मुझे लगती है, ठीक है, गिटार ट्यूनिंग के मामले में। तो मैं भी आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप वो ट्यूनर डाल लो। सबसे मैं अपनी स्क्रीन पे, फोन की स्क्रीन पे ले जाने से पहले एक बात, ये जो ट्यूनर है ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपको ये ट्यूनर डाउनलोड करना है तो गूगल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा पिच लैब प्रो के ट्यूनर को डाउनलोड करने के लिए, एंड्रॉयड ऐप्स या iOS ऐप्स में दोनों ही, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी लंबे ना करते हुए, वेस्ट ना करते हुए, मैं फटाक से लेके चलता हूँ अपनी मोबाइल स्क्रीन पे, जिससे कि मैं आपको समझा सकूं कि इसको कैसे है यूज करते हैं थोड़ा बहुत, और कैसे ये जो है ट्यूनर हमारे गिटार को ट्यून करने में हेल्प करता है। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ गाइस। तो गाइस, अभी हम आ गए हैं मेरी फोन स्क्रीन पर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, टॉप से थर्ड जो ऐप है पिच लैब प्रो, इसको हम खोलने वाले हैं। तो ये ऐप है पिच लैब प्रो। तो ये हम आ गए हैं हमारी ऐप पे। तो इसके अंदर दो इंटरफेस आपको मिल जाते हैं, एक वाला इंटरफेस और इसके अलावा एक सिंपल वाला इंटरफेस। ये वाला तो मैं बिगनर्स को सजेस्ट करूंगा, ये वाला इंटरफेस आप यूज़ करें, ठीक है। तो इसके अंदर है क्या यार, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। गिटार को ट्यून करना है, स्ट्रिंग्स दे रखी है। सबसे ऊपर वाली आपकी सबसे मोटी वाली स्ट्रिंग है, सबसे नीचे वाली आपकी पतली वाली स्ट्रिंग है, ठीक है। तो मैं अभी जो है सबसे मोटी वाली स्ट्रिंग को ट्यून करने वाला हूँ, ठीक है। अगर वो ढीली होती है तो दिखाता है ट्यून अप, अगर वो टाइट होती है तो दिखाता है ट्यून डाउन, है ना। तो ये देखो, अभी मेरी स्ट्रिंग जो है वो ढीली है, तो देखो ये ट्यून अप दिखा रहा है मुझे, मैं ट्यून कर रहा हूँ, ये ट्यून अप ट्यून अप ट्यून अप, और ये अब इसने दिखा दे इन ट्यून, है ना। वहीं अगर मैं इसको हल्का से ढीला कर दूँ, ये देखो टाइट कर दूँ अगर, सॉरी, तो ये अब दिखाएगा मुझे ट्यून डाउन, और जैसे ही वो वहां पे एकदम ट्यून पे आ जाएगा तो एकदम दिखा देगा इन ट्यून हो गई वो स्ट्रिंग, ठीक है। ऐसे डाउन कर दूँ तो दिखाएगा ट्यून अप, ठीक है। तो ये देखो, ये ट्यून अप दिखाता है, ट्यून डाउन दिखाता है, ठीक है। मैं एक बारी नीचे वाली स्ट्रिंग भी आपको दिखाता हूँ, एक बारी देखो वो ढीली है मेरी स्ट्रिंग, तो अब वो दिखाएगा ट्यून अप ट्यून अप। जैसी वो ट्यून होगी वो दिखा देगा इन ट्यून, ये देखो ट्यून अप ट्यून अप ट्यून अप ट्यून अप ट्यून अप, और ये ट्यून, है ना। तो यही है इसके अंदर, ऐसी आपको सारी अपनी स्ट्रिंग जो है वो ट्यून करनी है। सबसे ऊपर वाली आपकी सबसे मोटी वाली स्ट्रिंग ये स्ट्रिंग है, एंड सबसे नीचे वाली आपकी पतली स्ट्रिंग है। तो ऊपर से नीचे तक आपको ट्यून करना है, देखना एक एक स्ट्रिंग जब आप ट्यून कर रहे हो तो वही वाली स्ट्रिंग यहाँ पे ट्यून होनी चाहिए प्रो जो है एग्जैक्टली, ये ठीक है। सबसे अच्छी है। और इसका जो इंटरफेस है यार, मैं बता दूँ ऐप मुझे एक अच्छी लगती है बेसिकली। इसका जो इंटरफेस है ना, एक तो बहुत ईजी है, ठीक है, और दूसरी बात बाकी ऐप से जो है ना, ये मैंने बाकी ट्यूनर्स भी यूज़ करे बट इसकी जो एक्यूरेसी है ना बहुत अच्छी है। मतलब बाकी ऐप जो है वो भी अच्छी है, पर उसके अंदर अगर तुम्हारा जो गिटार है वो ट्यून में हल्का सा अप भी होती है तो तब भी वो इन ट्यून दिखा देता है, या ट्यून हल्की सी डाउन होती है तब भी वो इन ट्यून दिखा देता है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप यही ऐप यूज करो, काफी एक्यूरेट है। जब ये एग्जैक्टली ट्यून होती है तभी ये दिखाता आपको कि इन ट्यून है स्ट्रिंग, वरना ये नहीं दिखाता, है ना। तो आई विल सजेस्ट आप यही ऐप यूज करो, एंड बिगनर्स के लिए स्पेशली बहुत अच्छी है, एकदम इजी इंटरफेस है, एकदम सिंपल है ना। तो इस वीडियो में यही बताना था बस मेरे को, ठीक है। एंड मैं एक बार ट्यूटोरियल भी बना दूंगा कि गिटार की स्ट्रिंग्स को साफ सा कैसे उसको ट्यून करा जाता है ना। तो तब तक के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर दो मेरा चैनल, वीडियो